नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाईंदर, आज चल रही महासभा के दौरान श्रीनिवास निकम ने जो हरकत की है उसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों के नगर सेवकों ने महासभा दोबारा से अटेंड न करने का फैसला लिया है। सभी नगर सेवकों ने आज अपने हाथ में एक प्ले कार्ड लेके इस घटना का निषेध किया है और साथ में ही मनपा प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब महापौर खुद सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक क्या सुरक्षित रहेंगे। आप देख सकते हैं ये मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का दालन है और इसी दालन के बाहर करीब 7-8 MSF महाराष्ट्र सुरक्षा फोर्स के कर्मी यहाँ पर तैनात है। मनपा प्रशासन के अधिकारी पूरी सिक्योरिटी के साथ में अपने आप को रखते हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर शहर के जो संवैधानिक पदों पर बैठने वाले नेता है, जिनमें मेयर, डेप्यूटी मेयर और अलग अलग सभापति जो है, उनकी सुरक्षा की चिंता उन्हें अब सताई जा रही है। इसी के चलते सभी राजनीतिक दलों के नगर सेवकों ने आज एक यहां पर ठिया आंदोलन किया है, इसलिए कि जिस व्यक्ति ने यह कृत्य किया है उस पर मनपा प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उसके खिलाफ में FIR दर्ज करने के लिए कोई मनपा प्रशासन का अधिकारी गया था पुलिस थाने में। इस बात को लेकर ये सब लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे थे, ठिया आंदोलन के नारेबाजी किए और उन्होंने मांग की है कि जब तक का उस दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो महासभा में दोबारा से नहीं जाएंगे। आइए हम जानते हैं एक एक करके क्या कहना है इन सभी नगर सेवकों का जो आज यहाँ पर प्ले कार्ड लेकर महानगर पालिका आयुक्त दालन के बाहर बैठे है निषेध दर्शाते हुए। ये आप लोग ने सभी ने देखा, बिना पूछे महापौर के दालन बोले तो हाउस में घुस के डैश पे वहाँ जाके सिपाही के साथ में झगड़ा कर रहा था, उसका हम लोग निषेध कर रहे। महापौर का अधिकार जो है उसके अधिकार के कारण उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए और हम लोग की सुरक्षा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आंदोलन पे बैठे। और सिपाही जो था उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है, उसको आप काम पर लेना चाहिए, सिपाही का कोई गलती नहीं। नगर पालिका नीचे से लेके ऊपर तक आप देखेंगे तो पूरा सिक्योरिटी गाड़ी से भरा हुआ है, बाहर के कोई भी आदमी आ रहे जा रहे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, नगर पालिका का पैसा वो जाए जा रहा है, इसी के लिए हम लोग निषेध करने बैठे। अभी अभी क्या मांग को लेकर बैठे आप लोग यहाँ पर? महापौर की सुरक्षा के लिए। तो ऑलरेडी है ना आपके पास में? महापौर की सुरक्षा व्यक्तिगत है, नगर पालिका में इतने सिक्योरिटी रहने के बाद में भी हाउस में बाहर का आदमी घुसता है और वहाँ जाके हंगामा करता है तो सिक्योरिटी क्या कर रही थी, काहे का सुरक्षा है उनका? अब तक का जो है कि उस आदमी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह की जानकारी मिल रही है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो हम लोग निषेध करने बैठे कि उस पर FIR हो और सिपाही पे बेगुनाह सिपाही है उसको वापस काम पे लिया जाए, उसका कोई गलती नहीं है। आप निषेध किसका कर रहे हैं, उस कृत्य का निषेध कर रहे हैं या मनपा प्रशासन का निषेध कर रहे हैं? जो कृत्य हुआ उसका भी निषेध कर रहे हो, मनपा प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कुछ, उसका भी निषेध कर रहे हैं। देखिए, जो घटना आज घटी है ये इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई साधारण व्यक्ति महासभा में, एक्चुअली किसी व्यक्ति को महासभा में एंटर करने का अधिकार ही नहीं है, और डायस पे तो हम नगर सेवकों को भी महापौर की इजाजत के बिना चढ़ने का अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति अचानक से आता है और डायस पे चढ़ जाता है, इसका हम लोग बहुत निषेध करते हैं क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही गलत है। क्योंकि कल आज वो सिर्फ कुछ पूछने आया था, लेकिन कल को कुछ करने के मकसद से भी कोई आ सकता है, तो इसका मैं निषेध करती हूँ। आज जो सभागृह के अंदर हुआ, जिस तरह से एक प्रेक्षक में से एक आदमी आता है और महापौर के स्टेज पर, मंच पर चढ़ जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसका निषेध करते हैं। पूरा शिवसेना कांग्रेस इसका निषेध करती है क्योंकि ये ठीक तरीका नहीं है। ये सिक्योरिटी लैप्स है और जो इस पर संबंधित लोग हैं जिनके वजह से ये हुआ, हम आयुक्त से मांग नहीं करते कि उन पर सख्ती से कार्रवाई करें। ये बहुत ही दुर्दैव की बात है कि एक बड़ी सभा में एक भारी व्यक्ति वहाँ पर आकर, जो कि महापौर का अधिकार है कि वो महासभा के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर कोई घुस भी नहीं सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने इतनी हिम्मत की कि वो डायस के ऊपर चढ़ गया और डायस पे चढ़ने के बाद में वो, मतलब उसको पूछा गया कि तुम ये अंदर आए कैसे, तो बोलता है हमको चाय पानी बिस्किट के लिए अभी तक आपने पूछा नहीं, जो पब्लिक गैलरी में बैठती है। और इस प्रकार से जो आज कृत्य हुआ है वो बहुत ही निंदाकारक है और हम इसका निषेध करते हैं। जब तक उस व्यक्ति के ऊपर महानगर पालिका के द्वारा
केस नहीं होगा, क्योंकि अगर केस नहीं होगा तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बाहर से भी कभी भी आके अंदर घुस सकता है, किसी की भी हिम्मत बढ़ सकती है। इसीलिए महानगर पालिका के आयुक्त का पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर बाकायदा FIR होनी चाहिए, क्योंकि महापौर की सिक्योरिटी, महापौर के साथ साथ पूरे सभागृह की सिक्योरिटी की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि कमिश्नर साहब इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें और उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करें। क्या करीब एक घंटा हो चुका है इस घटना को, इस पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है जी, क्या लगता है आपको, क्या प्रशासन दबाव में है किसी मंत्री के? प्रशासन किसी भी दबाव में हो उससे हमें, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर ऐसी घटना घटती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो अभी तक केस नहीं हुआ, पर हमें उम्मीद है कि केस ज़रूर होगा, और अगर नहीं होगा तो हम इसी प्रकार से हमारा ये जो हमने आज निषेध किया है वो हम जारी रखें। सिपाही को इसमें घसीटने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिपाही की जिम्मेदारी सिर्फ अंदर पेपर यहाँ से वहाँ करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अंदर आज सिक्योरिटी इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रखी है तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, और उनके प्रेजेंस में अगर ये काम होता है तो ये इसके जिम्मेदार आयुक्त साहब हैं। जी जरूर मानते हैं, और ये बहुत गलत हुआ है। जिस चीज के लिए हम लोग आंदोलन में बैठे हैं वो आप खुद देख सकते हो, महापौर केबिन में एक भी सिक्योरिटी नहीं, और कमिश्नर के केबिन के पास सब सिक्योरिटी खड़े हुए, महापौर के पास केबिन के पास या केबिन के अंदर एक भी सिक्योरिटी वाले नहीं है। तो ये सुरक्षा बल का काम है, ये बहुत ही गंभीर है। महापौर के ऊपर कभी हमला हो गया अंदर तो इतने नगर सेवक जो बैठे पूरे मीरा भाईंदर में और पूरे महाराष्ट्र में उसका निषेध होगा। देख महानगर पालिका के दीपक तांबी जी के ऊपर हमला होने के बाद भी अगर हम लोग इसमें नहीं सीखे तो इससे बड़ा और कुछ हमारा दुर्लभ नहीं हो सकता है। ये आदमी जो निकम जो आज घुसा है ये उसका एक दादागिरी है, वो एक चेन स्नैचर है, और साथ ही साथ उसके ऊपर 324 और 326 उसके ऊपर रिकॉर्ड है, और वो फरार है काशीमीरा पुलिस स्टेशन से। और ऐसा इंसान अगर काशी में वहाँ से फरार होके अगर हमारे महानगर पालिका के अंदर अगर वो घूमता है तो इसका मतलब कुछ तो वो किसी का साथ जुड़ा हुआ है, और वो ऐसे सीधा इस डायस के ऊपर कोई नॉर्मल आदमी घुस नहीं सकता है। और ये इंसान कमिश्नर के पीछे जाके खड़ा होकर किसी को भी तकलीफ दे सकता है, मतलब क्या हम उस दिन के लिए वेट करें कि ये किसी के ऊपर हमला करे और फिर हम लोग एक्शन लेवे? ये जो प्रकार है वो मैं ये मान सकती हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं दोष है। लेकिन जब सिक्योरिटी वालों से बात हुई तो वो रोज नए आदमी आते हैं तो वो भी नहीं पहचानते कि कौन नगर सेवक है कौन नहीं। और जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो तो शिवलकर को पूछने गए थे कि हमें जो बाहर लोग चाय मांग रहे हैं उन्हें चाय देना है या नहीं, तो वो बंदा पीछे का पीछे चला गया। इतनी सी सिंपल सी बात है, उसका इतना बड़ा इश्यू। मैं तो सभी से निवेदन करूंगी कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। इस घटना को कैसे देखते हैं मैडम आप? कुछ नहीं, छोटी सी घटना, ऐसा कोई सीरियस इश्यू नहीं हुआ है कोई जिसे इस घटना पे इतनी चर्चा की जाए। ये थे वो तमाम नगर सेवक जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, मनपा प्रशासन के इस कृत्य का भी निषेध कर रहे हैं कि मनपा प्रशासन ने उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मनपा प्रशासन या मनपा आयुक्त पर न जाने किसी राजनीतिक नेता का दबाव है जिसके चलते उस व्यक्ति के खिलाफ में FIR दर्ज नहीं किया गया था खबर बनाए जाने तक का। इस पूरे मामले में सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि श्रीनिवास निकम नामक जो व्यक्ति है उसके खिलाफ में कई सारे पुलिस थानों में अलग अलग प्रकार के मामले दर्ज है, और उन सभी मामलों में उसकी जांच भी चल रही है, इस तरह की जानकारी हमें हाथ में लगी है। आनंद फानन में आज की इस कृत्य को देखकर मनपा आयुक्त ने उस वक्त महासभा की जो कैबिन है जो चेंबर है उसके बाहर जो प्यून मौजूद था उस प्यून को सस्पेंड कर दिया है, उसे निलंबित कर दिया है, यानी एक तरह से उस गरीब बेचारे पर बिल फाड़ा गया है, उसे बलि का बकरा बना दिया गया है। जबकि महानगर पालिका ने MSF जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी जो संवैधानिक पदों पर जो लोगों को सिक्योरिटी दी गई है उन सभी लोगों को सुरक्षा करना उस MSF की जिम्मेदारी है, MSF पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण के चलते यहाँ पर इन लोगों ने आज ये धरना दिया है मनपा प्रशासन के खिलाफ में। देखना है कि मनपा प्रशासन मनपा आयुक्त कब तक MSF के इन गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, कब तक उनकी गलतियों को छुपाते हैं। उनकी गलतियों को छुपाने के चलते ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में मनपा प्रशासन का ढुलमुल रवैया भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते
सत्ताधारी विपक्ष और तमाम पार्टी के नेता नगर सेवक भी नाराज दिखाई दे रहे हैं मनपा प्रशासन के प्रति। आप देख रहे हैं कैमरामैन आदित्य कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।